बस काली मैया की जय। सरी जवान हाथम खड़क पर तीर कमान, गरे नर मुंड माला रहे मसान। पुणाहुति एतम सब संकल्प हो चुका है, सबका पूरा हो चुका है। बाद में करेंगे। ऐसा है, हर साल माँ कामाख्या के पीठ सिद्ध पर अंबुवाची मेला लगता है। ये जो स्थान है साधकों का स्थान था, अब तो दुनिया आने लगी, लेकिन जो भी लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं हम माँ के दर्शन करने जा रहे हैं, जबकि ये दर्शनों का स्थान नहीं है, क्योंकि हमारे सनातन में मर्यादा है, कोई बच्चा माँ की योनि के दर्शन नहीं कर सकता। यहाँ तो चार दिन बाई को जब कपाट बंद होते हैं, 26 को खुलते हैं, चार दिन साधक अपनी साधना करते हैं, 26 को कपाट खुलने पर माँ से आशीर्वाद प्राप्त करके आराम से आशीर्वाद जब माई का मिल जाता है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। तो हम हर साल आते हैं और इस साल भी हम लोग ये जो शमशान पूजाएं हैं ये किसी के अहित के लिए नहीं करते, ये विषम में शांति रहे, शांति साइलेंट कर दे, शांति रहे विषम में, और हर बंदा अपने अपने बस काली मैया की जय। सरी जवान हाथम खड़क पर तीर कमा, गरे नर मुंड माला रहे मसान। पुणाहुति एतम सब संकल्प हो चुका है, सबका पूरा हो चुका है। बाद में करेंगे। बस काली मैया ऐसा है, हर साल माँ कामाख्या के पीठ सिद्ध पर अंबुवाची मेला लगता है। ये जो स्थान है साधकों का स्थान था, अब तो दुनिया आने लगी, लेकिन जो भी लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं हम माँ के दर्शन करने जा रहे हैं, जबकि ये दर्शनों का स्थान नहीं है, क्योंकि हमारे सनातन में मर्यादा है, कोई बच्चा माँ की योनि के दर्शन नहीं कर सकता। यहाँ तो चार दिन बाई को जब कपाट बंद होते हैं, 26 को खुलते हैं, चार दिन साधक अपनी साधना करते हैं, 26 को कपाट खुलने पर माँ से आशीर्वाद प्राप्त करके आराम से आशीर्वाद जब माई का मिल जाता है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। तो हम हर साल आते हैं और इस साल भी हम लोग ये जो शमशान पूजाएं हैं ये किसी के अहित के लिए नहीं करते, ये विषम में शांति रहे, शांति साइलेंट कर दे, शांति रहे विषम में, और हर बंदा अपने अपने